नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया। नीमच जिले में 6 नए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इनमें जिले की 3 विधानसभा सीटों को प्रतिनिधित्व दिया, साथ ही जाति संतुलन भी बनाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार नीमच जिला कांग्रेस की प्रभारी नूरी खान की सहमति से कांग्रेस कमेटी में विस्तार किया गया। कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, गजेंद्र यादव, गुलाम यजदानी खान, राधेश्याम मालवी, विमल शर्मा, चंद्रशेखर पालीवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। 18 उपाध्यक्ष, 41 महामंत्री और 42 सचिव भी नियुक्त किए गए। जिला महामंत्री में नीमच जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह राठौर को भी जिला महामंत्री बनाया गया। श्री राठौर लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय है और राजपूत लोबी में उनकी अच्छी पकड़ है। उपाध्यक्ष पद के लिए मोरवन के जाट नेता मनोहर जाट को नियुक्त किया गया है। मनोहर जाट मोरवन सिंगोली क्षेत्र में खासी पकड़ रखते हैं, उन्हें उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रकार रुपेश जैन नयागांव, अभिषेक मालू सरवानिया, शाहरुख कुरैशी नीमच, इरशाद बेग नीमच जैसे युवाओं को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष जोशी, दिग्विजय सिंह आमलीखेड़ा, जुगल अहीर, हरगोविंद दीवान को जिला महासचिव बनाया गया। नरेंद्र सोनी, दीपेंद्र पटेल, राकेश थमार, इस्लाम कुरैशी, सलीम खान, अनिल विनायक को जिला सचिव बनाया गया। इसके साथ पुरानी सूची यथावत रहेगी और पदाधिकारी कार्य करते रहेंगे।